चिन्नी की मम्मी, जल्दी आओ भाई, चिन्नी के लिए लड़की देखने जाना है भाई, जल्दी आओ। हाँ आई, 2 मिनट रुको, मैं अभी आई। हाँ? हाँ चलो आओ आओ संजी जी आओ, वो बैठो वो बैठो, यहाँ पे बैठो। चिन्नी की मम्मी उधर बैठ, पास में बैठे ना, थोड़ा ना हो जाएगा, उधर बैठ। बोली कैसे आना हुआ आपका? कैसे आप अपन की लड़के देखने की बात होती ना, लड़का देखने की, अपन गार्डन में मिले थे, आपने बताया था ना आपके बहुत सारे लड़के हैं, वही देखना है भाई। कैसे क्या काम से आए? फिर बुलाओ आपके लड़कों को, देखते हैं आपके लड़के कैसे हैं, जल्दी बुलाओ। कैसे कैसे दिखा दे, पहले मुंह दिखाई तो दो, बाद में दिखाएंगे हम अपने बेटे का चेहरा। लेकिन लड़के की मुंह दिखाई कब लेते, कितनी लेते हो मुंह दिखाई? ये लो अभी बुलाता हूँ। अरे बेटा राजू बाहर आना। हेलो अंकल। ये क्या है? मेरा बेटा है, क्यूट है ना, एकदम मुझ पर गया है। बहुत क्यूट है आपका बेटा, बहुत है, लेकिन थोड़ा इसका सर ऐसे दबा कैसे? अरे वो तो कुछ नहीं, एक दिन क्या हुआ कि मेरा बेटा बाहर छोटा था, जब घूम रहा था तो अचानक से ऊपर से एक प्लैनेट आ रहा था, होता है ना प्लैनेट, प्लैनेट आ रहा था, इसके ऊपर गिर गया। तब डरने की ऐसी हालत है, पर डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसके सिर पर अपना हेलीकॉप्टर लैंड करा सकते हैं, समझी जी, हेलीकॉप्टर। फिर लेकिन हमारे पास हेलीकॉप्टर कहाँ है? आपके पास मोटरसाइकिल तो है ना, मोटरसाइकिल है ना, दो है, एक नहीं दो है हमारे पास, दो है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दोनों मोटरसाइकिल इसके सिर पर पार्किंग कर देना, कोई नहीं ले जाएगा, कभी भी चोरी भी नहीं होगी। क्या बोल रहे हो आप? लेकिन कुछ भी हो, इसके साथ बहुत बुरा हुआ है संजय जी, बहुत बुरा हुआ है। हाँ वो तो है। हाँ तो फिर रिश्ता पक्का समझे? नहीं नहीं क्या? वैसे आप बोल रहे थे ना आपके पास बहुत बेटे है ना, भी दूसरा दिखाओ। हाँ तो अभी बुलाता हूँ, एक मिनट। अरे मेरे प्यारे से ढोल, ढोल, ये कैसा नाम है? हाँ ढोल, अभी आएगा ना पता चल जाएगा मैंने इसको ढोल क्यों नाम दिया है। अंकल। ये क्या है? मेरा बेटा है भाई, लगता है आपने इसे कुछ ज्यादा ही खिलाया है, इसी वजह से देखो ऐसा हो चुका है। बहुत खिलाया हमने, ये क्या है कि जब इसे भूख लगती है ना ये कुछ भी खा लेता है। ओह यस। इसकी मम्मी ने क्या हुआ, खाना थोड़ा लेट बना दिया, इसने टीवी फ्रिज घर में एक आइटम नहीं छोड़ा, सब खा लिए साले ने, सब खा लिए। नहीं नहीं चिन्नी के पापा, कल तक ये हमारे चिन्नी को खा गए तो। हाँ संदीप जी बोलो जी, आपके कितने बेटे हैं? आपके मेरे 4 बेटे हैं, वो भी हीरो जैसे। दूसरे को बुलाओ ना, उसे भी देख लेते हैं, लगते शादी हो जाए। हाँ नहीं, हम तो अभी अब बुला देते हैं, आप हमारे समधी जो है बेटा पतलू। हाँ? पतलू वाला पतलू है क्या? जोक मारा? नहीं नहीं वो तो ऐसे ही निकल गया। हाँ? अच्छा मारा, बहुत अच्छा मारा। हेलो अंकल, व्हाट्सअप व्हाट्सअप अंकल व्हाट्सअप। अब ये क्या है भाई? ये है मेरा पतलू। अरे चिन्नी की मम्मी, अरे ये लड़का दिखा रहा है या टूटा हुआ फर्नीचर? क्या शुरू चल रहा है, हमें भी बताओ कोई भाई। वो कुछ वो चिन्नी की मम्मी पूछ रही थी कि इस लड़के का वो चेहरा ऐसे कैसे है। वो एक दिन हम लिफ्ट में जा रहे थे,
अचानक मेरे लिफ्ट से मेरा चश्मा बाहर गिर गया। मेरा बेटा चश्मा लेने गया। क्या हुआ? फिर क्या नहीं, बहुत कुछ हो गया। मेरा बेटा लिफ्ट से जैसे ही बाहर चश्मा लेने लगा, लिफ्ट का दरवाजा ठड़ा बंद हो गया और इसका सिर लिफ्ट में आ गया। समझी जी, इसके साथ ही बहुत बुरा हुआ, मैं तो कह रहा हूँ बहुत बुरा हुआ। तो फिर रिश्ता पक्का समझे? नहीं कोई बात नहीं, अभी तो मेरा चौथा बेटा बाकी है ना, उसको भी देख लो। बस हो गया, मेरी बेटी की शादी कर दी नहीं अभी। अरे भाई ऐसा क्यों? क्यों क्या, तेरे तो मैं सर फोड़ दूंगा। ये क्या है, कभी ढोल दिखा रहा है, कभी लिफ्ट में मेरा सर आ गया, कभी अब की बात तो हद पार कर दी साला। सर के ऊपर प्लेटफॉर्म बना रहा है यार, हेलीकॉप्टर उतार रहा है, मैं तो मैं सर फोड़ दूंगा साला। चलो चन्नी की मम्मी चलते हैं, नहीं करनी शादी मुझे। कितना स्पीड से गया, ऐसा मैंने क्या दिखा दिया साला, भलाई का कोई जमाना ही नहीं रहा है।